हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं। हमें सभी पार्ट्स को अराउंड 1 या 2 लाइंस में इनका आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है कि जो केजिया है वो अपने फादर से डरती क्यों थी। दोस्तों हमने चैप्टर में देखा कि केजिया के फादर उसको स्कोल्ड भी करते हैं, मारते हैं, पनिश करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इन्हीं रीजंस की वजह से केजिया अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि केजिया की फैमिली में कौन कौन से लोग हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरी कहानी में देखा कि केजिया के घर में केजिया के फादर रहते हैं, उनकी मदर रहती हैं, ग्रैंड मदर, केजिया खुद और साथ में उनके घर की एक कुक एलिस, यानी कि टोटल 5 लोग रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी इजीली सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में केजिया के फादर का रूटीन पूछा गया है। इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें रूटीन बताना है ऑफिस जाने से पहले। देखिए चैप्टर में बताया गया है कि ऑफिस में जाने से पहले जो केजिया के फादर हैं वो केजिया के रूम में आते हैं, उसको बाय बोलते हैं और कैजुअली किस करते हैं। तो दोस्तों ये है ऑफिस जाने से पहले का रूटीन। फिर है ऑफिस से घर वापस आने के बाद का रूटीन क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे ही वो घर वापस आते हैं, केजिया के फादर थोड़े गुस्से में होते हैं। वो ड्राइंग रूम में जाकर कहते हैं कि मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, चाय लाओ, मेरे शूज उतारो और स्लीपर्स लाओ, सबको ऑर्डर देना वो शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों पूछा गया है कि संडे को केजिया के फादर का रूटीन क्या होता है। दोस्तों संडे को केजिया के जो फादर हैं वो सिंपली ड्राइंग रूम में जो सोफा है उसको स्ट्रेच करके, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके वहां पर सो जाते हैं। वो और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आराम से सोते हैं और खराटे लेते हैं। दोस्तों ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है कि यहाँ पे केजिया की जो ग्रैंड मदर है वो केजिया को किस तरीके से एनकरेज करती थी कि वो अपने फादर से जाकर बात करे। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा इस चैप्टर में कि हर संडे को केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को कहती थी कि ड्राइंग रूम में जाकर अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे थोड़ी बॉन्डिंग इंक्रीज करो, एक लंबी कॉन्वर्सेशन करो कि तुम सब एक दूसरे को ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाओ। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि इसमें आपको चारों पार्ट्स अब बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सबके रिटन सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं। आप उन सबको भी जरूर विजिट कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ऐसे आंसर्स को लिखने का सही फॉर्मेट क्या है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर इतनी आसानी से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।